हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने जा रहा है सीआरपीसी के बारे में और सीआरपीसी के एक ऐसे प्रोविजन के बारे में जिसको लेके आमतौर पर हमें कई बार थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्या ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इस टॉपिक में कुछ ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कौन से क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाए तो शायद आप इसके बारे में कुछ लिखें और बाकी पार्ट को स्किप करके आप मार्क्स को रिट्रीव कर लें। लेकिन एमसीक्यू में जब इसकी माइन्यूट डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे आमतौर पर गलती कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस छोटे से पार्ट ऑफ सीआरपीसी को अच्छी तरीके से समझने के लिए टेबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जाए। और आज हम उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। किस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं? सर, आपने इतना बता तो दिया। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सीआरपीसी के अंडर में दिया हुआ है। तो अगर आपके पास बेयर एक्ट अवेलेबल है तो आप सेक्शन 24, 25 और 25A को रेफर कर सकते हैं। तो हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि कौन होता है। मैं अगर आपको पहले बता दूं, एक साइड होती है प्रोसिक्यूशन की और एक साइड होती है अक्यूज्ड की। किसी भी क्रिमिनल केस में अगर आपने सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपका यह डाउट आई होप ऑलरेडी क्लियर होगा। प्रोसिक्यूशन की साइड कौन सी होती है? प्रोसिक्यूशन की साइड वो होती है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ऑफेंस हम हमेशा मानते हैं कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा स्टेट के अगेंस्ट हुआ है और स्टेट को जो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अक्यूज्ड जो वो पर्सन है जिसने क्राइम किया है और जिस पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, उस पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है प्रोसिक्यूटर। और हम यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूशन को प्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और वो कहां कहां पे काम करते हैं और सीआरपीसी के तहत उनको क्या क्या काम का भार सौंपा गया है, यानी कि उनका वर्क फ्लो क्या होता है सीआरपीसी के अंडर में। जल्दी से देखने की शुरुआत करते हैं। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। पहले यहां पे क्या पढ़ेंगे कि ये प्रोसिक्यूटर कौन सा है, कौन से कोर्ट में काम करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है और उनके बारे में कोई और डिटेल जो कि अगर हमारे पास पढ़ने लायक है तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन 24 जो कि बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। यहां पे आपको लिखा दिख जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि दिया हुआ है सेक्शन 24 में। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन सा है अपने दिमाग में आप अभी से क्लियर कर लीजिए कि हम दो बार पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहले हम पढ़ते हैं किसको? हाई कोर्ट को, उसके बाद पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोनों के लिए अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। तो ये जो सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है, ये कौन सी कोर्ट में काम करते हैं? हाई कोर्ट में। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हाई कोर्ट के लिए। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये एडवोकेट होने चाहिए इन प्रैक्टिस। एडवोकेट कौन होता है? लॉयर और एडवोकेट के बीच का मैंने आपको फर्क बताया था, आपको नीचे वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। एडवोकेट इन प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि 7 ईयर्स और मोर, यानी कि 7 साल या उससे ज्यादा के समय से जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कोई ऐसा पर्सन जो कि एलिजिबल हो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में। ठीक है सर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों इनको अपॉइंट कर सकते हैं। और क्या कह रहा है इनके बारे में जान लेने लायक बात यह है कि यह अपॉइंटमेंट जो है ये कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से मतलब क्या है? उस हाई कोर्ट की जो भी अगर ऐसी बॉडी बनी हुई है तो उससे या फिर वहां के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद ही कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। तो सेक्शन 24 के तहत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा? 7 ईयर्स से ज्यादा हमें याद रखना है और ये स्पेशली किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए, ये हमें याद रखना है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, ये आपको ऑलरेडी दिमाग में रिटेन रह जाएगा, इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ कौन है? एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडिशनल से हम क्या समझते हैं? जिस पद का वो एडिशनल है उसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है, उसको किसी और कार्यभार संभालने के लिए स्पेशली अलाइन किया जाता है, इसलिए वो एडिशनल की पोस्ट क्रिएटेड होती है। जो हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज में देखते हैं, दोनों पनिशमेंट सेम दे सकते हैं। यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के लिए होगा। एडवोकेट इन प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि ये एक्सपीरियंस के मामले में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उससे कहीं पे भी कम नहीं है, इसका एक्सपीरियंस भी उतना चाहिए। बस जो सीनियर होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएगा और जो कम थोड़ा सीनियर होगा या किसी और डायमेंशन पे जैसे भी उन्होंने डिसाइड किया हो उसको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्यभार दिया जाएगा। इसकी दूसरी वजह क्या है? इसकी दूसरी वजह यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी जगह पे एक हो सकता है, एडिशनल्स कई सारे हो सकते हैं और काम का डिवीजन ज्यादा है, इसलिए एडिशनल्स की जरूरत भी हमें पड़ती है। सेम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और अपॉइंटमेंट जो है वो कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट से होगा। यानी कि ये पॉइंट हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहां पे भी लिखा हुआ है, पॉइंट क्लियर है।
ये फॉर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सेक्शन 24 सब क्लॉज 3 यहां पे लिखा हुआ है। 24 में ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोबारा शब्द आया है और ये है आपकी बात डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई होगा। डिस्ट्रिक्ट से मतलब क्या है, किसी स्टेट में एक हाई कोर्ट है तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर्स अलग हो गया। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहां पे सेशंस कोर्ट के लिए 24 सब क्लॉज 3 में बात करी गई है, उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए जो सेशंस कोर्ट में काम करेंगे। इनकी प्रैक्टिस में और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट का था कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। इनकी प्रैक्टिस भी 7 ईयर्स और मोर, ध्यान रखिएगा 7 ईयर्स मिनिमम है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी सेम है। अब यहां पे कुछ अलग दिख रहा था, एडवोकेट मस्ट बी ऑन द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। अब यहां पे क्या लिखा है, जो एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है यानी कि डीएम और जिसको हम कलेक्टर साहब आमतौर पे कहते हैं, वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी लिस्ट बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। और इस वाले केस में जो कंसल्टेशन होगा वो किसके पास से होगा? सेशंस जज के पास से होगा। यानी कि सेशंस जज जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को कंसल्ट करेंगे या डीएम साहब उनको कंसल्ट करेंगे और बोलेंगे मैंने ये नाम प्रिपेयर किया, मैं इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहता हूं, और उनकी कंसल्टेशन से वो किया जाएगा। ठीक है सर। और ये क्या कह रहा है, इन अ केस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय अ स्टेट इन विच अ रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जिस्ट द अपॉइंटमेंट शैल नॉर्मली बी मेड फ्रॉम अमंग पर्संस इन कंसल्टिंग विद द कार्डर। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशली कोई ऐसा कार्डर है, वो उस कार्डर के बेस में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, तो उन्हीं में से लोगों को क्या बनाया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। ये मैंने आपको जैसा बताया था, एडिशनल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लगभग बराबर ही माना जाता है, बस पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनमें से पहला है। ये चीज आपको हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन में दिख जाएगी, इसलिए इससे कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। असिस्टेंट शब्द उसके नीचे का है, यानी कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नीचे आएगा, लेकिन एडिशनल हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बराबर माना जाएगा। कहां पे है? सेशंस कोर्ट में, 7 ईयर्स और मोर, यानी कि कोई फर्क यहां पे नहीं है। ठीक है सर। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और ये क्या कह रहा है, वही सेम बात कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है कंसल्टेशन विद द सेशन जज इस नाम को प्रिपेयर करेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशली कोई ऐसा कार्डर है जिसमें वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्रूट कर रही है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहीं से आएंगे। पॉइंट नंबर 3 और 4 भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है सर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अब ये क्या कह रहा है, स्पेशल, अब यहां पे आपको एक ध्यान रखना है, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, एनी कोर्ट के लिए, यानी किसी भी न्यायालय के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट करी जा सकती है। अब यहां देखिएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इन सबसे थोड़ा बड़ा है। कैसे? इसके लिए जो प्रैक्टिस की ईयर चाहिए वो 10 ईयर्स और मोर चाहिए, यानी 10 साल या उससे ज्यादा की जिस भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास प्रैक्टिस होगी वो क्या बन सकता है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। ये डिस्क्रिशन है किसका? गवर्नमेंट का या कोर्ट का, कि उसको अगर जरूरत महसूस होगी तब वो क्या करेगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी हर जगह पे सेम है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। कोई ऐसा हीनियस क्राइम हुआ या कोई ऐसा सीरियस क्राइम हुआ जो कि एकदम डिफरेंट था हमारे नॉर्मल होने वाले क्राइम से, तो लगा कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको अपॉइंट करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसको कर सकती है। या फिर एक क्लास ऑफ केसेस है जो कि नए फॉर्म में आ रहे हैं, उसके लिए एक एक्सपीरियंस फॉर्म ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत है जो उसमें स्पेशलाइज्ड हो, तो वो किसी ऐसे पर्सन को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का टाइटल देंगे जिसकी प्रैक्टिस 10 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है सर, हो गया। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे अब आ जाते हैं। सेक्शन 25 में दिया हुआ है, 24 में हमने क्या पढ़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां के लिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां के लिए, हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के लिए। अब हम पढ़ते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये किसके लिए है? ये है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए, यानी कि सेशंस कोर्ट में आपको पता है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, तो ये उन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए है। एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, यहां लिख दिया कि कोई भी इंसान जो कि पुलिस ऑफिसर से अलग है उसको क्या कर देंगे, हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। अब इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पुलिस ऑफ, अब यहां एक क्वेश्चन आ गया कि क्या पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई थर्ड पर्सन है जो कि लॉ नहीं किया तो वो भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। जब आप इस सेक्शन को रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एलिजिबल होना चाहिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पद संभालने के लिए, यानी उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने लॉ किया हो। आप किसी सड़क चलते किसी सड़क पर घूम रहे किसी आदमी को नहीं बोलेंगे कि आइए मैं आपको क्या बना देता हूं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको ये तक नहीं पता है कि कोर्ट में खड़ा कैसे हुआ जाता है। ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिर से सेम है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नॉट अवेलेबल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द केस, सच अदर पर्सन मे बी अ पुलिस ऑफिसर इफ ही हैज नॉट टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट ऑफेंस एंड ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। स्पेशल केसेस में जब कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो किसी पुलिस ऑफिसर को भी किया जा सकता है, इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर होना चाहिए और उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं लिया होना चाहिए। यहीं से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेता तो क्या दिक्कत हो जाती पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की?
क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई होती है उसी को एड करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना साइड प्रेजेंट करता है, और वो बायस्ड माना जाता अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की साइनिंग अथॉरिटी वो खुद है, उसने खुद इन्वेस्टिगेशन करी है, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाता ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्टैंड करती सही तरीके से एड करने के लिए और सही तरीके से अडॉप्ट कर लेने के लिए, और कोर्ट केवल उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को माने, ऐसी वो हर जरूरी कोशिश को करता। यानी कि ये हमारा पॉइंट क्लियर है। यहां से हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर खत्म हुआ, लेकिन आप बोलेंगे कि सर अभी एक इंसान रह गया है, यानी कि अभी एक एस्पेक्ट जो है हम कवर करना भूल गए हैं, वो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्विकली आई विल टेल यू कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है। एक बार आप बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, ये दिया हुआ है 25A में। ये अमेंडमेंट कब ऐड हुआ था? 2005 में। और ये विद इफेक्ट कब से आया? विद इफेक्ट From 2006, यानी 2006 से इफेक्ट में आया। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है? हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहे हैं, सेशंस कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के। यानी कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इसमें जो भी रहेंगे उसके अंडर में काम करेंगे इनके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इसके अंडर में काम करते हैं। और जानने लायक बात क्या है? इनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? जस्ट लाइक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनका एक्सपीरियंस भी 10 ईयर्स और मोर होगा, और ये हर प्रोसिक्यूशन जोन में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। आई होप आपका ये टॉपिक अभी यहाँ पे क्लियर हो गया हो। मैं वापस आपको ले जाता हूँ यहाँ पे, और आपको ध्यान में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा। हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पढ़ा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पढ़ा, और साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को भी हमने पढ़ा। उसके साथ ही साथ हमने एक चीज़ और देखी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत 10 साल या उससे ज्यादा की होती है इसीलिए, और उनको किसी भी केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 24, 25 और 25A हमारा सीआरपीसी का यहां पे खत्म हुआ। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो डाउट आपका वहां पे क्लियर कर देंगे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।